Namaskar and welcome to our program. We begin as always with the quote of the day. I believe the greatest gift you can give your family and the world is a healthy you. John Mayer. That exactly is the theme for our program today, because our guest is a person of many personalities. He is an author, researcher, but primarily an endocrinologist who is well respected for his work on diabetes and obesity in India. We are delighted to have on our program today Professor Anoop Misra. Dr. Saab, welcome to the program. Thank you. Now, diabetes is, India is now becoming the diabetes capital of the world, which is quite scary, isn't it? India is second only to China at this point of time. And the growth of patients with diabetes is tremendous over the last 20 years. So, ye samajh liye ki dugna ya tigne par pahunch gaye aur uska ant nazar nahi aa raha. This progression is what is scary. And in next 10 years, probably we'll add another 50% of the population. So 6 to 7 crores are diabetic, another 2-3 crores in next 10-15 years. Huge burden of diabetes. तो इसका कारण क्या है? कारण तो देखिए बिल्कुल क्लियर है कि हमारे जीन्स तो 1975 में भी वैसे ही थे. सेम जेनेटिक मेकअप इंडियंस का था जी. और 1975 में जो सर्वे दिल्ली में हुआ था उसमें 1 से 2% के बीच में थी डायबिटीज. अब इस समय कई सर्वे करते हैं 20%, कई कहते हैं 25% दिल्ली में. तो हमारी लाइफस्टाइल में मेजर चेंजेस हुए हैं, वो तो हम रोज ही देख रहे हैं. तेज जिंदगी भाग रही है और साथ में खान पान में तो सब आप इस समय कोई ऑनलाइन ऑर्डर कर रहा है, कोई फ़ोन से ऑर्डर कर रहा है. ऑल दीज आर हाईली एनर्जी डेंस फूड्स. एंड फिर कार में बैठ जाते हैं और अपने ऑफिस चले जाते हैं, कोई एक्टिव फिजिकल एक्टिविटी नहीं. लेकिन वो तो चीज़ें चल ही रही हैं. ज़्यादा उससे स्कैरी बात यह है कि ये चीज़ 20 से 30 साल के लोगों वर्ग में आ रही है इस एज में. तो यंग लोग अपने करियर को बहुत ऊपर ले जा रहे हैं, अपनी हेल्थ को सबसे नीचे मान रहे हैं. तो यंग लोगों में जो डायबिटीज़ आ रही है वो खतरनाक है, क्योंकि पहले 50 साल में आती थी तो चलिए आपको 20 साल उससे लड़ाई करनी है. यहाँ पर 20-25 साल में आएगी तो आपको 50 साल आप लड़ाई करते करते थक जाएंगे और बीच में वो आपको लपेट लेगी किसी तरह से. ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि डायबिटीज़ एक जानलेवा बीमारी नहीं है, सो देयर इज नथिंग रियली टू वरी अबाउट. इज दैट ट्रू? डायबिटीज़ कई तरह वर्ग की होती है. इनफैक्ट अभी रिसेंटली स्वीडिश रिसर्चर्स ने कहा है कि एक तरह की डायबिटीज़ नहीं है, 5 तरह की डायबिटीज़ है. अब उसमें से 1-2 तो बहुत खतरनाक है जी, और 2-1-2 उतनी खतरनाक नहीं. तो अब मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको कि 70 साल के आदमी में थोड़ा सा शुगर बढ़े आए तो कोई खतरे वाली बात नहीं उसमें. लेकिन 35 साल के आदमी में तेजी से शुगर बढ़े और उसके लिवर को प्रभाव करे और साथ साथ उसकी किडनी को प्रभाव करे, वो खतरनाक टाइप की डायबिटीज़ है. तो ये अलग अलग तरह की डायबिटीज़, और ये एक क्लिनिशियन अच्छी तरह से समझ सकता है एक पेशेंट को देख कर, उसको इवेल्युएट करके कि वे टू गो, विच वे टू गो, शुड वी बी वेरी एग्रेसिव इन आवर ट्रीटमेंट और शुड बी वेरी माइल्ड इन आवर ट्रीटमेंट. नाउ करेंटली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम डायबिटीज किल्स मोर पीपल इन इंडिया देन ट्यूबरक्लोसिस एंड एचआईवी कंबाइंड. सो यू कैन सी दैट फेटेलिटी रेट, हाई फेटेलिटी रेट ऑफ डायबिटीज. एंड इंडिया में इन पांचों में से कितने टाइप्स की डायबिटीज प्रेवलेंट हैं? सभी तरह की हैं. सभी तरह की. इनफैक्ट वी थिंक शॉर्ट ऑफ अ रिसर्च, क्योंकि ये रिसर्च तो स्वीडन में हुई है, वी थिंक इफ वी स्टार्ट डूइंग रिसर्च द वे वी सी पेशेंट्स एवरी डे, देयर आर मोर टाइप्स ऑफ डायबिटीज, मोर देन 5, 6 or 7 टाइप्स ऑफ डायबिटीज एग्जिस्ट इन इंडिया, बिकॉज सो मच हेट्रोजीनियस टाइप ऑफ पीपल आर देयर. कोई आदिवासी है, कोई बिल्कुल शहर में रहता है, कोई पहाड़ में रहता है, तो डायबिटीज उसके हिसाब से डिफरेंट है. तो इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग दैट मेनी पीपल हैव डिस्क्राइब्ड बिट्स एंड पीसेज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डायबिटीज. नोबडी हैज गिवन अ क्लियर पिक्चर एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, बट वी फील दैट देयर आर मोर टाइप्स ऑफ डायबिटीज इन इंडिया देन इन वेस्टर्न कंट्रीज. एंड वी हैवंट रियली फिगर्ड आउट रियली हाउ मेनी टाइप्स देयर आर एंड हाउ मेनी ऑफ देम आर रियली फेटल. वी डोंट नो रियली. नो, वी ब्रॉडली नो, बट अ सिस्टमैटिक स्टडी हैज नॉट बीन परफॉर्म. वन मोर थिंग, यू सेड दैट इट्स नॉट वेरी पीपल से कि चलो कोई बात नहीं शुगर हो गई. In Indians, diabetes is more difficult than the Western. In general, if we forget about the types of diabetes, in general, if we say, it's more fatal. Why? It affects heart very quickly and it affects kidney very quickly. Achha. Now, there may be some genetic predisposition behind it,
our hearts are weak otherwise also, and kidneys, there is a genetic predisposition. So there are more patients with renal failure and heart attacks in India due to diabetes than elsewhere in the world. इंडिया में हम लोगों को जब डायबिटीज होती है तो नॉर्मली लोग कहते हैं ये तो रईसों की बीमारी है, यू नो द काइंड ऑफ थिंग्स दैट यू मेंशन, द फैक्टर्स ऑफ काम तो कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं होती है, तो दैट इज़ द इम्प्रेशन पीपल हैव. बट इन योर रिसर्च यू फाउंड आउट दैट ये सच बात नहीं है. पिछले एक डिकेड में ये सब चेंज हो गया. पहले रईसों की बीमारी थी और अब क्या हुआ है कि वो रईस ज़्यादा जानते हैं डायबिटीज़ के बारे में, मीडिया से, अपने डॉक्टर से ज़्यादा जागरूक भी रहते हैं और उनके पास सारी चीज़ें हैं जो कि उनको हेल्प कर सकती हैं डायबिटीज़ को बचाने में. जैसे कि उनके पास, कई लोगों के पास जिम है, कई लोग जिम के मेंबर हैं और कई लोगों के पास ऐसी जगह रहते हैं जहाँ खुले हुए रास्ते हैं, पार्क हैं, तो वॉक करने के लिए उनके पास वो भी साधन हैं कि वो अच्छे तेल, जो कि हेल्दी तेल हों, जो महंगे होते हैं, वो भी खरीद सकें, या ज़्यादा वेजिटेबल्स वगैरह इस तरह की हेल्दी चीज़ें खरीद सकें. पैसे हैं उनके पास, तो नॉलेज है, साधन है, पैसे हैं. और मिडिल क्लास का क्या है? मिडिल क्लास में जहाँ पे अब चपेट जो हो रही है वो मिडिल क्लास में हो रही है और लो मिडिल क्लास में हो रही है. इनमें क्या है, इनमें उतनी जागरूकता नहीं है, डाइट के बारे में भी नहीं है, एक्सरसाइज, जहाँ रहते हैं छोटे घरों में शायद रहते हैं, ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर बाहर वॉक करने के भी वो नहीं है, साधन नहीं है उनके पास. और जो तेल वगैरह का इस्तेमाल या बाकी जो आप ये समझिए खाने किस तरह से बनाना है वगैरह, वो सब ज़्यादा फ्राइड फूड खाते हैं और तेल वनस्पति यूज़ करते हैं जो कि बहुत हानिकारक है. तो ये सब चीज़ उनको पता नहीं है. तो आजकल हम गरीबों की कॉलोनी में हम जब जाते हैं और हमारा बड़ा उसमें अभियान है, तब हमको पता चलता है कि कितनी डायबिटीज़ गरीबों में है. और वो क्या करते हैं, जब डायबिटीज़ होती है तो जाते हैं नेक्स्ट डोर क्वैक के पास, जो कि वहाँ पर कोई बैठा हुआ है जो डॉक्टर अपने को कहता है और 2 रुपए फीस लेता है और कोई जड़ी बूटी उसको पहुँच कर उसके पास पहले जाते हैं, 6 महीना 1 साल, जब तक उनके टोटल अंगों में डैमेज होने लगता है तब हमारे पास आते हैं. दिस इज द स्टेट ऑफ अफेयर्स दिस डेज. मिडिल एंड लोअर मिडिल क्लास इज गेटिंग अफेक्टेड एंड मोर अफेक्टेड एंड दे आर इग्नोरिंग बिकॉज दे डोंट हैव मनी टू गो टू either a hospital which is 5 kilometers away or to a doctor where they have to pay 300-400 rupees. And what is the prevalence of diabetes in non-metros? Kya ye shahron ki bimari hai, bade shahron ki bimari hai? Gradation hai isme. Ji. Jaise ki metro, yahan ka to maine bata diya aapko ki jaise Delhi hai ya koi bhi metro le lijiye, to usme kareeb 15-25% logon ko diabetes hai. Suburban area mein chale jaye, chahe Ballabgarh mein chale jaiye aap, 10 kilometer yahan par, 20-25 kilometer away, वहाँ पर करीब करीब होगा 10-15%. और आप चले जाइए 400 किलोमीटर यहाँ से और किसी डीप इन हरियाणा या फिर राजस्थान में, वहाँ पर होगा less than 5%. ये जीवन शैली से, लेकिन ये परिवर्तित हो रही है. इवन दीज पीपल हु आर लिविंग इन रूरल एरियाज, दे ऑल गॉट टीवी, देयर शॉप्स कंटेन ऑल चिप्स एंड कोलाज, देयर होल लाइफस्टाइल इज चेंजिंग. सो व्हाट इज suburban areas diabetes today is going to be their diabetes in another 10 years. So this is how it is spreading. And that is something we can prevent by dissemination of knowledge. 100% we can prevent, provided we have proper will to act on this. And money is there with the government, with the NGOs, money is there. The consistent will to act on this has to be there. And to disseminate knowledge, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा बात लोग नहीं करते हैं. 20 साल पहले करीब हेल्थ मिनिस्ट्री में हमने बड़ी मीटिंग करी थी और उस समय के DG और हेल्थ मिनिस्टर के साथ बैठकर हमने ये प्लान किया था कि कैसे डिसेमिनेट करें, और दूरदर्शन एक जरिया था उसका. बड़ी हमने मटेरियल तैयार किया था उस समय कि क्या क्या चीज़ें हम बनाएंगे जो कि एक कॉमन मैन को, जैसे पल्स पोलियो में कितना बढ़िया इन्होंने, बहुत ही बढ़िया किया. तो इस तरह की चीज़ें कई बनाई थी, वो तो धूल खाती रही बहुत सालों तक. नई चीज़ें बनी वो भी नहीं आई. तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, कहीं 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 पूरा इस पर ध्यान नहीं हो रहा. और वो एक पेनफुल बात है क्योंकि हमारे सामने ही सामने लोग मर रहे हैं. और रोज़ अगर आप मेरे साथ बैठे हैं किसी दिन क्लिनिक में, तो आपको पता चले कितने लोग परेशान हैं और कितना, एक बार जैसे कि एक पैर में अल्सर हो गया डायबिटीज़ का,
नहीं ठीक होगा, आप चारों तरफ दौड़ते रहिए। इस तरह के कितने लोग हमारे पास आते हैं, और ये सब अननेसेसरी है, अननेसेसरी प्रिवेंट किया जा सकता है इन सब चीज़ों से, छोटी छोटी। अब इस बुक में हमने देखे एक करीब दो पेज हमने इस पे लिखे हैं कि पैर का ध्यान कैसे रखते हैं। छोटी चीज़ें हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है उसमें कि आप सोचेंगे बहुत बड़ी मेडिकल वाली आपकी नॉलेज आप दे रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सिंपल सी बातें, उन सिंपल सी बातों से कितने एम्पुटेशन हमने बचाए हुए हैं। तो इस तरह की चीज़ें हमको पढ़ानी है, लोगों को बतानी है। सिंस आपने इस बुक की बात की डायबिटीज़ विद डिलाइट, जी कॉमन मैन के लिए एक तरह से किताब है कि जो डॉक्टर नहीं है वो भी इस किताब को समझ सकता है। और इसकी जो आपने शुरू में एक जो कोट दिया है, डिसिप्लिन ऑफ माइंड एंड बॉडी इज माई बेस्ट फिजिशियन, ये 3000 AD का किसी का कोट है, अनोनिमस कोट है, एंड इट इज सो एप्ट, इजंट इट। मैंने अपने जहाँ पर मैं बैठता हूँ उसके पीछे लगा हुआ है। अच्छा, बहुत सालों से लगा हुआ है, और पहली चीज़ मेरे चैम्बर में पेशेंट आता है तो सबसे पहले वही देखता है, और कई लोग इसको डिस्कस करते हैं कि क्या आप ये बात आपने सही लगाई हो। हम डिसिप्लिन, इन डिसिप्लिन इज हायर मोस्ट इन इंडियन पेशेंट्स, मुझको ऐसा लगता है। इन डिसिप्लिन इन डाइट, इन डिसिप्लिन इन एक्सरसाइज, इन डिसिप्लिन इन टेकिंग ड्रग्स, इन डिसिप्लिन इन गोइंग टू फिजिशियन। हाँ, तो हमारे पास आज जैसे आज मैं सुबह 30 पेशेंट देखकर आया, उसमें से 10 पेशेंट ऐसे थे जो 3 साल बाद आ रहे थे। क्यों साहब? नहीं, वो हमको तो लगा ठीक चल रहा है, कुछ भी चीज़ ठीक नहीं है और फिर भी। तो कहने का मतलब यह है कि कोई चीज़ उनसे कही जाए, मुश्किल से 50% लोग उस पर कुछ ध्यान देते हैं, उसको कुछ फॉलो करते हैं। और आप डिसिप्लिन रहिए, आपकी कॉम्प्लिकेशन बच जाएंगे। जो डॉक्टर्स के पास जाने की बात है उसमें तो अक्सर लोग हिचकिचाते हैं ही, डॉक्टर्स की फ़ीस होती हैं, लंबी लाइनें होती हैं, डॉक्टर आपको दुनिया भर के टेस्ट बता देते हैं, उससे अलग सा डर लग जाता है। सो आई थिंक बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अगर हमें दिख नहीं रहा है तो हो नहीं रहा है कुछ गलत हमारे साथ। हाँ, ऊपर से लोग सोचते हैं, और कुछ चीज़ें तो दबाई जाते हैं, कुछ चीज़ें हो रही होती हैं वो बताते ही नहीं हैं अपने फैमिली मेम्बर्स को। ये बात सही है आपकी कि वो सोचते हैं कि वो घसीट के डॉक्टर के पास ले जाएंगे। तो और महिलाएं मैं आपको बताऊं, महिलाएं नहीं कहती हैं ऐसी सब चीज़ें, अपने अंदर रखती हैं। और आजकल महिलाएँ ज़्यादा ओबेसिटी से और डायबिटीज़ से प्रभावित हो रही हैं। तो वो घर, ज़्यादातर अभी भी महिलाएँ जो घर में रहती हैं वो सब, उनका डाइट वगैरह बिल्कुल ही इनडिसिप्लिन्ड है, आती नहीं है डॉक्टर्स के पास, बाहर घूमने जाने में कतराती इसलिए हैं। कोई कहता है, जो छोटे छोटे जो शहर से आते हैं कहते हैं साहब बाहर जाएंगे तो कोई चेन खींच लेगा। इस तरह की चीज़ें बहुत सारी है जो कि सोशल चीज़ें हैं, सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ डायबिटीज़ है कि वो महिलाओं में क्यों नहीं बाहर ये लोग जाते हैं और क्यों नहीं एक्सरसाइज करते, इनमें से अहम ये सब चीज़ें भी हैं। तो बहुत सारी सोशल चीज़ें हैं जो कि हमको ध्यान रखनी है, और महिलाओं पर और यंग लोगों पर स्पेशल ध्यान रखना है। जब आपने बात की महिलाओं की बाहर नहीं जाती हैं, ज़्यादातर महिलाएं ये कहती हैं अरे हम घर में इतना काम कर लेते हैं तो हमारी तो एक्सरसाइज हो गई। एग्जैक्टली आपने जो कहा वो हमारे 90% महिलाएं कहती हैं जी कि साहब हम तो सुबह से शाम तक, हम ये देखिए हम सारा खाना बनाते हैं, हमने अपने नौकर की भी ज़्यादा सहायता नहीं लेते, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। ये मैं कहने की उनसे कोशिश करता हूँ कि वो पर्याप्त नहीं है। वो एक किस तरह से है कि आप जैसे कि इस स्टूडियो में आप चले, इधर से उधर चले, उधर से उधर चले, उसके सिवा आपको वॉक करना है, उसके सिवा 45 मिनट वॉक करना है। तो महिलाओं को भी दिन में ऐसे काम करके सिवा वॉक करना है उसके। तो इसको कहते हैं कि लेजर टाइम फिजिकल एक्टिविटी, मतलब आप जब शांत अवस्था में हो अपना दिन का काम वाम करके, वो लेजर टाइम जो कर रहे हैं उस समय आपको फिजिकल एक्टिविटी करना है, वो ज़रूरी है इंडियंस के लिए, और भी ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारी मसल्स वीक हैं, बहुत वीक हैं। ये शायद हजारों साल से जो एक अकाल पड़े, हमको प्रोटीन हम नहीं ले पाए ज़्यादा, क्योंकि हम वेजिटेरियन भी हैं और जो नॉन वेजिटेरियन वो भी हफ्ते में एक दो बार लेते हैं, तो हमको प्रोटीन कम मिला, हम भूखे से पीड़ित रहे जी 2000 साल में, और जो भी है एक जो मसल पर प्रभाव पड़ा वो चलता जा रहा, अभी तक चलता जा रहा। अच्छा, तो हमारे पास एक छोटा सा यंत्र है जिसको कहते हैं कि जमार डायनोमोमीटर, तो उससे हम ग्रिप देखते हैं। अच्छा, तो ग्रिप एक उसके पैरामीटर होते हैं कि फिर 20 से ऊपर हो तो आपका मसल और इंटरनल स्ट्रेंथ ठीक है। आप बिलीव नहीं करेंगे, 95% ऑफ द वीमेन एंड 80% ऑफ द मैन आर बिलो दैट लेवल।
अच्छा, दैट मीन्स दे हैव मार्केटली वीक मसल्स. अच्छा, मसल में क्यों हम इतना वो कर रहे हैं? क्योंकि मसल में ही ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म होती है. अच्छा, तो मसल वीक है तो करना क्या है, हमको ज़्यादा एक्सरसाइज करनी है. एक स्टडी था यूके में हुआ था, उसमें उन्होंने बताया था कि साहब इंडियंस ले लिया और वाइट्स को ले लिया और देखा कि दोनों की कितनी एक्सरसाइज में उनकी ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म सिमिलर रहती है. अच्छा, हाँ, जैसे एक मापदंड ले लिया ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म का, 10 है यहाँ पर, और 10 को अचीव करने के लिए वाइट को कितनी एक्सरसाइज करनी है, उसको मुश्किल से 150 मिनट करनी है पर वीक. अच्छा, और इंडियन को कितनी चाहिए, 250 मिनट एटलीस्ट, तो तब जाकर उतनी मेटाबॉलिज्म करेगा जितना वाइट कर रहा है. तो देखिए, और ये तब के जब ज़्यादातर यही समझा जाता है जो वाइट्स हैं वो या जो वेस्टर्न कंट्रीज में लोग रहते हैं उन वो फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, जंक फूड ज़्यादा खाते हैं बनिस्बत हमारे देश में जो है. लेकिन उनकी बेसिक जो मसल्स हैं, हाँ, पावरफुल है, और हमारी मसल जो वीक हैं और वही डिटरमिन कई लोगों में कर रही हैं डायबिटीज़ को. तो हमको क्या करना है, हमको ज़्यादा एक्सरसाइज करनी है, कम नहीं करनी. अच्छा, जो आप लेजर वॉकिंग की बात कर रहे हैं कि शायद 30-35-40 मिनट तक रोज वॉक करना चाहिए, किस स्पीड पे वॉक करना चाहिए? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारे जो हमने गाइडलाइन बनाई है फिजिकल एक्टिविटी की, वो भी इस बुक में मैंने लिखी हुई है, उसमें टोटल 1 घंटा आपको एक्सरसाइज करनी है हर रोज. हाँ, अब उसमें मैं एक जोड़ तोड़ कैसे करनी है वो बताता हूँ. 40 मिनट से 45 मिनट आपको वॉक करनी है एट फेयरली ब्रिस्क पेस, विच इज इक्वलेंट टू 6 किलोमीटर पर आवर. तो आप अगर ट्रेडमिल पर आपने कभी अगर किया हो तो 6 किलोमीटर पर आवर इज फेयरली ब्रिस्क पेस. कई लोग उससे 5 से ज़्यादा नहीं जा पाते, कई लोग 7 पर भी जाते हैं. उस पर आपकी सांस ऐसी नहीं फूलती कि आप बात ना कर पाए जी. इससे ऊपर जाएंगे तो आपकी सांस फूलेगी, तो 1-2 सेंटेंस में बोलने में सांस फूल जाएगी. तो जहाँ सांस पूरा ना फूले आप फिर भी बात 2-3 सेंटेंस कर पाएँ, 6 किलोमीटर पर आवर की पेस से आपको करनी है. कई महिलाएं तुरंत नहीं उस पर पहुंच पाएंगी, आदमी भी नहीं पहुंच पाएंगे, उसको धीरे धीरे बढ़ाकर करना है. That's a good thumb rule के absolutely. जहां ब्रेथलेसनेस शुरू हो, हाँ, उतनी स्पीड तक आपको चलना है. अब उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद ये करना है कि 5 मिनट वेट्स करना है. अच्छा, छोटे वेट्स महिलाओं के लिए 1.5 kg के, और जो मेन हैं उसके लिए 2-3-4-5 kg के, बहुत हैवी वेट नहीं. उसको 5 मिनट आप अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब में बांध कर, वेलक्रो वाले वो भी कर सकते हैं, इसके लिए हमने एक्सरसाइज अलग बनाई हुई है. तो मसल्स इसमें बनेंगी, मसल्स की पावर बढ़ेगी. अब बचे 10 मिनट और, देखिए 45 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गए, 50 मिनट हो गए, 10 मिनट और बचे. वो आप जैसे कि आप इस स्टूडियो में काम कर रहे हैं, आपने कहा कि अब 2 घंटे का काम हो गया, अब मैं स्टूडियो के लंबे कॉरिडोर में 1-2-3-4 मिनट का मैं एक वॉक करती हूँ, अपने फ्रेंड के साथ बात करते हुए वॉक करती हूँ, या कोई बॉस है, कोई अपने CEO है, अपने केबिन में है, वो अपने डिक्टेशन दे रहा है, वॉक कर रहा है. ये इनकॉर्पोरेट फर्दर थिंग इन योर डेली वॉक. 1 घंटा आपको हो गया, 1 घंटा हो जाएगा, वो पर्याप्त हो जाएगा. अब कुछ लोग और एक तरह का करते हैं जो कि फिटबिट रखते हैं. देखिए ये फिटबिट मेरे हाथ में जी, हाँ? जी, हाँ. तो फिटबिट से स्टेप्स देखते हैं, हाँ. तो आप अगर फेयरली एक्टिव है ड्यूरिंग द डे तो आपका 3000 के करीब स्टेप इस स्टूडियो में हो जाएगा आपको. अब आपको करना है करीब कम से कम 6-7 हज़ार स्टेप्स करने. आइडियल जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का है 10,000 स्टेप. 10,000 मुश्किल पड़ता है फिर भी, लेकिन 7-8 हज़ार भी कर लें वो भी बहुत. अनदर 5,000 आपको करने, वो इसमें आ जाएगा आपको. 60 मिनट अगर 45 मिनट वॉक करेंगे आपका 7,000-8,000 हो जाएगा. हाँ, 8,000 हो जाता है अगर आप 45 मिनट की. उतना आपके लिए पर्याप्त है. कई लोग इससे ज़्यादा भी करते हैं, वेट लॉस के लिए असेंशियल है, 15,000 भी करते हैं लोग. तो वो सब अलग अलग तरीके हैं वेट लॉस के, लेकिन इतना आप कर लें ये फेल. लोग योगा जो करते हैं उस हाउ वैल्यूएबल इज दैट फॉर? देखिए आई फील, देखिए 2 तरह के योगा होते हैं. एक तो ये होता है कि बहुत विग्रस योगा, और हठ योगा जिसको कहते हैं, वो अच्छा है, फिजिकल एक्टिविटी एरोबिक फिजिकल एक्टिविटी करता है वो जी. लेकिन अगर आप केवल शवासन करें या इस तरह के स्टैटिक योगा करें, उससे फ़ायदा किस तरह का होगा? उस तरह का फ़ायदा मसल पर नहीं होगा, उससे फ़ायदा होगा बैलेंस वगैरह पर.
कभी एक पैर पर वॉक करते हैं, कभी अलग अलग पोस्चर, बैलेंसिंग एक्ट अच्छे होते हैं उससे। पर उसे ऑर्गन्स जो हैं उन्हें मैं भी वही मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और अंदर की जो ऑटोनॉमिक टोन है, एक नर्व टोन होती है ऑटोनॉमिक, वो बेटर होती है, वो ब्लड प्रेशर को ज़्यादा अच्छा करती है। मे बी इट इज़ गुड फॉर हार्ट, मे बी इट इज़ गुड फॉर डायबिटीज, बट नोबडी हैज़ प्रूवन एज दैट। ओके, सो आई फील दैट व्हाट वी हैव लिस्टेड हियर शुड बी फॉलोड फर्स्ट एंड फॉलोड बाय योगा। तो योगा इज नंबर टू एज फार एज द एक्सरसाइजेज आर कंसर्न। हम बातचीत कर रहे हैं जाने माने डायबिटीज के डॉक्टर प्रोफेसर अनूप मिश्रा जी के साथ। डॉक्टर, एक आम आदमी को ये कैसे समझ आए कि उसे डायबिटीज होने का खतरा है या नहीं? ये बड़ा बड़ा ही अहम सवाल आपने पूछा है, क्योंकि यही हमको डिसमिनेट करना है, सब लोगों को यही बताना है हमको। लोगों को पता चल जाएगा तो खुद ही वो अपना जांच करा लेंगे। तो देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक गाइडलाइन है, बड़ा सिंपल सी, बड़ी ही सिंपल, 30 साल से जितने भी ऊपर लोग हैं रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग, अच्छा, उन सबको जांच करानी चाहिए। तो एक तो ये बात हो गई एक मोटी मोटी तौर पे, लेकिन बहुत सारे और मापदंड हैं। फॉर एग्जांपल, कोई भी वेट जिसके ज़्यादा हो, और उसके लिए हमारे पास मापदंड है बॉडी मास इंडेक्स वगैरह के। लेकिन अगर विजुअल तरीके से हमको लगे कि किसी का वेट काफ़ी ज़्यादा है, पेट का घेरा ज़्यादा है, वो भी विजुअल तरीके से पता चल जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें भी सरल है कि आप देख लिया। फिर अगर आप किसी व्यक्ति विशेष से बात करें, या हम अपना मैं अपनी बात बताऊं तो हमारे मेरे फादर डायबिटिक थे, या किसी के मदर डायबिटिक हो, सर्टनली उनको अर्ली चेकअप के लिए जाना चाहिए। अच्छा। अब दो तीन चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग और हैं। मैं कहता हूं कि नॉन मेडिकल पर्सन एक कैसे आइडेंटिफाई इन सब चीज़ों के सिवा कर सकता है कि डायबिटीज़ की टेंडेंसी ज़्यादा है, तो नेक देखें। अच्छा। आगे और पीछे, पीछे एक काली धारी होती है नेक कई पे? लोगों में, अच्छा, उसका मेडिकल नाम होता है एकांथोसिस निग्रिकेंस। काली धारी मोटी सी अगर हो, एग्जैक्ट धारी नहीं होती है, थोड़ा डिफ्यूज होता है, तो वो धारी अगर हो तो डेफिनेट टेंडेंसी है डायबिटीज की। तो ये नेक को देखकर, पीछे और आगे देखकर आप बता सकते हैं। अच्छा, एक और चीज है, यहाँ पर छोटे छोटे स्किन टैग्स होते हैं जी, वो भी एक टेंडेंसी इंक्रीज बताते हैं कि डायबिटीज की वो है। तो नेक को देखकर, ये हिस्ट्री देखकर, फिर एक दो चीज़ें और हैं महिलाओं में, जिनके जिन्होंने बच्चों को जन्म दिया जो कि वेट उनका ज़्यादा है, तो उन महिलाओं का, या जिनके पहले पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज एक होती है जिसमें कि ओवरीज बड़ी हो जाती हैं, उनकी हिस्ट्री हो पहले, इन 7-8 वर्गों को ज़रूर चेकअप जल्दी ही कराना चाहिए। और आज डायबिटीज नहीं है तो हर साल एक चेकअप जरूर कराना चाहिए जी। उसमें चेकअप कौन सा होना चाहिए? एक यूजुअल चेकअप फास्टिंग शुगर करके और हम कहते हैं कि सब ठीक है, वैसा नहीं करना। उनको ग्लूकोज के 2 घंटे बाद का भी चेकअप कराना चाहिए, जिसको कहते हैं ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। अच्छा। तब जाकर हमको पता चलता है कि ये डायबिटीज़ है, प्री डायबिटीज है, या नॉर्मल अवस्था में है। तो ये सब चीज़ें बड़ी सिंपल हैं और किसी को भी समझ में आ जाएगी। ये टेस्ट महंगा होता है? नहीं, शुगर का टेस्ट होता है, लेकिन हम 75 ग्राम ग्लूकोज के बाद एक और करते हैं, दो शुगर के टेस्ट होते हैं। अच्छा। तो फास्टिंग शुगर 10 घंटे की फास्टिंग के बाद, और उसके बाद 75 ग्राम ग्लूकोज एक गिलास पानी में पिला देंगे, उसके एग्जैक्ट 2 घंटे के बाद एक शुगर का टेस्ट और लेंगे, और इस दोनों से हम डिटरमिन कर सकते हैं आप किस कैटेगरी में हैं। 3 कैटेगरी हैं, नॉर्मल, प्री डायबिटीज और डायबिटीज। तो इस तीनों में से कौन सी कैटेगरी में है ये हम बता सकते हैं, और उसके हिसाब से आगे का ट्रीटमेंट हम उसको बता सकते हैं कि आप क्या करना। पर ये तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप प्री डायबिटीज स्टेज में हैं तो यू नो हाउ टू प्रिवेंट डायबिटीज इन द फ्यूचर। प्री डायबिटीज ऐसी अवस्था है जहां से हम नॉर्मल ला सकते हैं, या वो आदमी डायबिटीज पर जा सकता है। अब ये भी इंटरेस्टिंग है कि इंडियंस में सबसे ज़्यादा टेंडेंसी होती है प्री डायबिटीज से डायबिटीज में जाने की। ओके। तो हमको उसी समय करना है, नॉर्मल में तो करना ही करना है, भाई नहीं हो प्री डायबिटीज भी ना हो, लेकिन प्री डायबिटीज़ हो तो हमको और ज़्यादा डाइट, एक्सरसाइज, हो सकता है कभी कभी दवाएं भी देनी पड़ती हैं, इन सब से इंटरवीन करना है। तो एक डायबिटीज़ एक ऐसी अवस्था है, एक ऐसी डिजीज़ है जहाँ इंटरमीडिएट कंडीशन एग्जिस्ट करती है, और इंटरमीडिएट कंडीशन पर हम टारगेट करके आदमी को नॉर्मल ला सकते हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, और इसके सबको पता होना चाहिए
और कई लोग कहते हैं साहब थोड़ा सा बॉर्डर लाइन था तो हमने सोचा है सर, नहीं, बॉर्डर लाइन ही अवस्था है जहाँ पर आपको और काम करना और हमको नॉर्मल पलाना। लेकिन ये जैसे आपने बात की डबल चिन की, वो तो जो भी ओबेस होगा उसकी डबल चिन होगी? नहीं, ये इंटरेस्टिंग है, सबको नहीं होता। अच्छा, कुछ लोगों को होता है। ऐसे ये पीछे की धारी भी है, ये भी लोग 150 किलो के हमारे पास आते हैं, उनका कुछ नहीं होता, ना डबल चिन ना पीछे की धारी, और 80 केजी के आते हैं और उनका होता है। तो जिनको होता है उनको टेंडेंसी बहुत होती है। हमने एक साइंटिफिक स्टडी करके देखा है कि एक वर्ग को लिया जिनका है और एक वर्ग का लिया जिनका नहीं है और दोनों का वेट सेम है तो उनको ज़्यादा डायबिटीज। तो ये बिल्कुल क्लियरली प्रूवन है, इसमें कुछ लोगों को टेंडेंसी ज़्यादा होती है, तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं। एक चीज़ और जिसमें आपने बहुत रिसर्च की है वो है जो एक्स सिंड्रोम है, वो क्या चीज़ है? वो मिलता जुलता है प्री डायबिटीज से। अच्छा, तो सिंड्रोम एक्स उसको कहते हैं, तो मिलता जुलता प्री डायबिटीज, लेकिन उसके साथ शुगर बढ़ने के साथ उसमें ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा होता है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ रहा होता है, पेट का घेरा बढ़ा हुआ होता है, तो चार पांच चीज़ें साथ होती हैं तो उसको सिंड्रोम कहते हैं। जब चार पांच चीज़ें साथ होती हैं सिंड्रोम कहते हैं। तो इसमें यह है कि डायबिटीज़ तो टेंडेंसी बढ़ी हुई होती है, लेकिन उसके साथ हार्ट डिजीज़ की भी टेंडेंसी बढ़ जाती है, तो दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। ये हमने बहुत रिसर्च करी है इंडियंस में, और इंडियंस में बहुत ज़्यादा भी होता है ये चीज़, तो इसके डेफिनेशंस और बाकी सब में हमने काफ़ी रिसर्च करी हुई है। इसके अलावा जो इंडियंस हैं उनको किन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, जैसे डायबिटीज़ के साथ फैटी लिवर होने का चांस होता है या पैनक्रियस में फैट्स हो सकते हैं, ये क्या कुछ, इज इट अ प्री डिस्पोजिशन फॉर इंडियंस? लिवर इज एट द सेंटर ऑफ दिस यूनिवर्स, राइट? अगर आप कहेंगे डायबिटीज़ एक यूनिवर्स है तो उसके सेंटर में लिवर है। अच्छा, और इंक्रीजिंगली हम 10 साल से इस चीज़ पर रिसर्च कर रहे हैं, इंक्रीजिंगली हम इस पर इंटरेस्ट हमारा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जितना हम देखें रिसर्च में लिवर में उतना ज़्यादा हमको लगता है कि लिवर ही सारी चीज़ है जो कि गड़बड़ होती है और उसी से डायबिटीज़ होती है। अच्छा, अब क्या है इंडियंस में, क्या है इंडियंस में, जैसे और चीज़ें भी उतनी अच्छी नहीं है एज़ कम्पेयर टू वाइट्स, लिवर भी उतना अच्छा नहीं है। और लिवर आप ये समझिए कि पैक्ड है फैट से, जिसको आप फैटी लिवर करते हैं ना उसके करीब ग्रेड होते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन इंडियन में टेंडेंसी उस फैटी लिवर या चर्बी लिवर में भर जाने की टेंडेंसी ज़्यादा है। और लिवर में बड़े की एंजाइम्स होते हैं जो डायबिटीज़ को और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करते हैं जी। हमने एक पेशेंट को देखा जो 30 साल के थे, उनका लिवर 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर मतलब 10-11 सेंटीमीटर उसका स्पैन होता है, लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर उसका, उससे डबल, डबल से ज़्यादा सर। तो इसका क्या मतलब है, दो मतलब है, एक तो लिवर वैसे ही ख़राब हो जाएगा, ये उस तरह का लिवर है जो कि जैसे कि कोई आदमी 4 पैग रोज पी रहा हो वैसा लिवर है। अच्छा, बिना वो अल्कोहल नहीं पीते थे, केवल ओबेसिटी थी और लाइफस्टाइल ख़राब थी। और दूसरा, इनकी डायबिटीज़ कंट्रोल करने में मुश्किल होगी, बड़ी मुश्किल हो रही है हमको। अच्छा, तो लिवर एक बाधा पहुंचा, एक शुरुआत करता है डायबिटीज़ की, और अगर बढ़ा रहे तो बाधा पहुंचाता है हमारे ट्रीटमेंट में। किसी भी ट्रीटमेंट का असर जो है वो 50% करीब करीब कर देता है, मैं औसत एज ए जनरल बात कर रहा हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है, इस पर हम ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च हम कर रहे हैं कि इसको कैसे ठीक किया जाए, इसको कैसे कम किया जाए, इसका क्या तरीका है जिसको इसको बेहतर किया जाए। इस बुक में आपने खास तौर पर खाने की बात की है, डाइट कैसी होनी चाहिए, जिसमें प्रोग्राम के शुरू में आपने बात की कि किस तरह का तेल यूज़ करना चाहिए जिसकी वजह से हमारे देश में डायबिटीज़ ज़्यादा हो रही है, तो कौन से तेल इस्तेमाल करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए? इसमें भी हमने कुछ रिसर्च करी है और बड़ा इंटरेस्टिंग हमने देखा है कि जिस तेल में एक तत्व होता है इसको मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। तो फैट होता है, तेल तो फैट ही है सारा कुछ, लेकिन उसमें एक तरह का फैट है जो कि बड़ा अच्छा है, बड़ा बेनिफिशियल है। तो मूफा, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, कुछ तेलों में ज़्यादा होता है, ओलिव ऑयल में करीब करीब 60-65%, और कनोला ऑयल में वो भी करीब करीब सेम, और मस्टर्ड ऑयल में। तो आप कहिए कि कौन सा तेल सबसे अच्छा है, तो मैं तो कहूँगा सबसे अच्छा और सबसे सस्ता मस्टर्ड ऑयल है जी। लेकिन ओलिव ऑयल में और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ओलिव ऑयल उसके नेक्स्ट आता है। आजकल कनोला हम लोग उतना यूज़ नहीं करते, कुछ इधर
उसके बारे में कुछ एडवर्स आए चीज़ें आई हुई हैं, तो ये और अगर उसके बाद सोयाबीन ऑयल, राइस ब्राउन ऑयल, बाकी सब आते हैं, तो हमारे लिए जो लोग अफोर्ड कर सकें ओलिव ऑयल, और जो लोग ना उतना वो हों, मिडिल क्लास के हों, तो मस्टर्ड ऑयल जो हमारा ट्रेडिशनल ऑयल है। अच्छा, साउथ में ज़्यादा कोकोनट ऑयल यूज़ होता है, तो हाउ गुड इज़ दैट? नॉट गुड एट ऑल, नॉट गुड एट ऑल, नॉट गुड एट ऑल। दीज आर द फैलेसीज दैट वी हैव टू टेल पीपल, एंड साउथ वाले नहीं इस चीज़ को मानने को तैयार होते हैं, लेकिन जितनी स्टडीज़ हुई हैं, साइंटिफिक तरीके से स्टडीज़ हुई हैं, उसमें बताया है कि कोकोनट ऑयल से जो कोलेस्ट्रॉल का एलडीएल तत्व है, जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है हार्ट डिजीज़ के लिए, जी, सब स्टडीज़ में बढ़ा हुआ। अब वो लोग कहते हैं मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड एक उसमें होता है, वो अच्छा होता है, वो एक चीज़ लंबी तलवार खराब और एक बाकी छोटी चीज़ें जो बेहतर, तो हम तो उस लंबी तलवार से हम डरेंगे। एलडीएल जो इंक्रीज करता है उस चीज़ को हम नहीं यूज़ करना हमको। जी, तो मैं कहता हूँ कि आपको यूज़ करना है, घी भी उसी कैटेगरी में आता है मैम, घी भी आता है, बिल्कुल उसी कैटेगरी में आता है। इनफैक्ट घी इज़ मोर हार्मफुल देन कोकोनट ऑयल। तो घी और कोकोनट ऑयल में हाईली सैचुरेटेड फैट होता है जो एलडीएल को बढ़ाता है। इन नो मीन्स इट इज़ गुड इफ़ यू आर टेकिंग रेगुलरली एवरी डे। अब आप वीकेंड में कहीं खा लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बिरजा भी खा लें आप वीकेंड में, वो भी हम नहीं मना करते, बट रेगुलर इनटेक नहीं होना चाहिए। यू नो, यहाँ पर जाकर एक लोगों के मन में डाउट्स आते हैं, क्योंकि जैसे आपके पेशेंट ने घी की बात की कि माँ उन्हें खिलाती थी, ये जो देर आर सर्टन काइंड्स ऑफ फूड, सर्टन काइंड्स ऑफ ऑयल्स विच आर ट्रेडिशनल, और कुछ लोग कहते हैं कि जो चीज़ लोकल है वो आपकी सेहत के लिए अच्छी है, जैसे कोकोनट ऑयल साउथ के लिए साउथ इंडियंस खाते हैं तो क्योंकि वो उनका लोकल प्रोडक्ट है, या हम लोग कहते हैं कि लोकल वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाने चाहिए, तो ये कहाँ तक सच है? मैम, अगर लोकली चीज़ अच्छी होती तो हम इस डायबिटीज़ के इस नेशन नहीं होते, नहीं होते। ये लोग कहते हैं साहब मैं तो वेजिटेरियन हूँ, हाँ। और तो मैंने कहा 70% इंडिया वेजिटेरियन है, और उसमें से 40% को डायबिटीज़ है, तो आप किस तरह से कह रहे हैं कि वेजिटेरियन बड़ा अच्छा है? आप इम्बैलेंस वेजिटेरियन डाइट खा रहे हैं। ट्रूली वेजिटेरियन खाइए तो कोई बात बनती है, लेकिन इम्बैलेंस वेजिटेरियन डाइट, व्हाट इज ट्रूली वेजिटेरियन? अब उसमें यह है, ट्रूली वेजिटेरियन में मतलब इम्बैलेंस ना हो, हाँ। तो उसमें क्या हो, उसमें हम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को थोड़ा सा कम रखें और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को यूज़ करें। तो देखिए, अब हमारे गाँव में आप चले जाइए, वो कहेंगे ज्वार की रोटी खिलाएंगे आपको, ज्वार की, बाजरा की, बेसन भी डालेंगे, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, दीज आर गुड, दे आर रियली गुड। फिर वो छिलके वाली आपको डाल देंगे और खूब सब्जियां वब्जियाँ देंगे आपको, उसके साथ अगर आधा चम्मच घी देने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बाकी सब चीज़ें बड़ी है। लेकिन अगर आप चार कटोरी राइस ले रहे हैं और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट मैदे की कोई चीज़ ले रहे हैं, या विदाउट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की रोटी ले रहे हैं, उसके साथ तीन चम्मच आप घी डाल रहे हैं और सब्जी बिल्कुल नहीं ले रहे हैं और सैलड नहीं, तो वॉट काइंड ऑफ यू नो हेल्दी वेजिटेरियन डाइट्स आर यू हैविंग? दिस इज द यूजुअल थिंग, यूजुअल थिंग दीज डेज दैट यू आर टेकिंग अनहेल्दी वेजिटेरियन डाइट। अब जो सेवन डे एडवेंटिस्ट हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स में हैं, उनकी डाइट बिल्कुल वेगन और 3/4 उसमें वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स होते हैं और कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल कम होता है। जो उनकी स्टडीज उन पर हुई हैं उसमें ना डायबिटीज है ना उनको हार्ट डिजीज है, बिल्कुल हेल्दी पॉपुलेशन। और वो लोग अनकुक्ड फूड भी बहुत खाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल अनकुक्ड फूड भी खाते हैं। इसी तरह एमिश पॉपुलेशन है जो यूनाइटेड स्टेट्स की, वो कुछ भी चीज़ें अपने हाथ से सारा काम करते हैं, तो वो उनका और बाकी लोगों का अगर स्टेप्स लीजिए, हमने स्टेप्स की बात करी, 17,000 स्टेप करते हैं एवरेज एक आदमी, क्योंकि वो काम कर रहा है, अपने आप बना रहा है, उनके पास गाड़ी नहीं है और बैलगाड़ी से जा रहा है, उसी तरह से चलते हैं वो लोग, टीवी उनके पास है नहीं, बाहर खेलते हैं सब लोग, तो और खूब वो वेजिटेबल्स खाते हैं, उनकी हेल्थ, वो लोग जो रिसेंट टाइम का इशू है अगर आप देखें तो लॉन्जिविटी, यानी कि किसका कितना लाइफ स्पैन बढ़ जाए, उसमें से एक ये लाइफस्टाइल उन्होंने लिखा हुआ है, उसमें फूड एक अहम बात है। लेकिन वो जो लाइफस्टाइल है वो हम लोग फॉलो नहीं कर सकते, बिकॉज नाउ वी आर लिविंग इन डिफरेंट टाइम्स एंड वो तो एक टाइम वॉर्प में रहते हैं। बिल्कुल, तो हम लोग जो हैं, हमारे लिए इस तरह की का जो एक जीवन बसर करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप उस तरह का जीवन ना करिए, लेकिन अगर आप 80% कंप्लायंट हैं और डाइट के एक प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं और आपकी एक्सरसाइज ठीक है,
यू विल बी फेयरली हेल्दी इन इवन दिस एनवायरनमेंट. लेकिन आपका 70-80% नॉन कंप्लायंट है कि नहीं कर रहे आप, और 20% कंप्लायंट है दिखा के एक दिन के लिए आपने फ्रूट खा लिया, एक दिन फास्ट कर लिया, एक अलग बात है फास्ट वाली, तो फास्ट कर लिया और आप सोचते हैं कि आप बड़े हेल्दी रह जाएंगे. नहीं, आप नहीं. मोस्ट ऑफ द वुमेन हु कम विद डायबिटीज आर फास्टिंग वंस अ वीक एंड दे थिंक दैट इट विल डिटॉक्सिफाई देयर बॉडी बिसाइड बीइंग अ रिलीजियस थिंग. इट डजंट बिकॉज रेस्ट ऑफ द सिक्स डेज और इवन ऑन द फास्ट डे दे आर ईटिंग जंक, इंडियन जंक. आप वेस्टर्न जंक की बात कर रहे हैं, इट इज द इंडियन फूड विच प्लेंटी ऑफ जंक. व्हाट इज इंडियन जंक फूड? अब देखिए, मैंने जो हमने IIT के साथ एक शोध किया था, हमने 7-8 चीज़ें ली थी इंडियन जंक. तो समोसा, पूड़ी, पकौड़े, भटूरा, इस तरह की 5-6, और उसमें ट्रांस फैटी एसिड का कंटेंट हमने IIT के साथ, उनके पास एक इक्विपमेंट है जिससे ट्रांस फैटी एसिड बड़ा ख़राब होता है. अच्छा. सबसे ख़राब फैट ट्रांस फैटी एसिड होता है. तो ये जो आप 7-8 चीज़ें कह रहे हैं, ये सब डीप फ्राइड चीज़ें हैं? डीप फ्राइड इन वनस्पति वेर ए ट्रांस फैटी एसिड कंटेंट इज वेरी वेरी हाई. ओके. तो आप देखे लाजपत नगर जाएं, आपने कहा कि आज तो भाई ये देखो वो पकौड़े खाने का मूड कर रहा है. उसने वो कढ़ाई ली और आपको तो पकौड़े दिए ही दिए, और उसके बाद 15-20 लोगों को बार बार वो करके दिए. एक बार वो ऑयल उसने जो यूज़ किया उसमें बड़ा ट्रांस फैटी एसिड हाई है. वनस्पति क्यों यूज़ किया? वनस्पति जम का कहीं पर रख दो, सालों साल रखा रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. अच्छा. तो वनस्पति इसलिए यूज़ करते हैं, चीप भी है. उसमें 30-35% ट्रांस फैटी एसिड होता है, बाकी ऑयल में 1% के करीब होता है. अच्छा. अब उसको हीट किया तो 40% हो गया, तीसरी हीटिंग करी 45% हो गया. तो दिन भर वो एक ऑयल लेकर उसी कढ़ाई में सब लोग को खिला देगा, और जो सबसे लास्ट में आप शाम को आएंगे तो आपको ट्रांस फैटी एसिड ज़्यादा मिलेगा. हाँ. और एक ट्रांस फैटी एसिड ऐसा 50% आप ले लिया तो वो हार्ट को, लिवर को, पैंक्रियाज को, सबको इफेक्ट करेगा. तो देखिए, ये चीज़ें केवल एक रोड साइड वेंडर नहीं करता, ये 5-star होटल भी करते हैं जी. तो सब जगह ये हाल है इंडिया में. घर की महिलाएं भी करती हैं. आपने एक बार कुछ फ्राई किया तो वो तेल अलग से रख गया टू बिल्कुल यूज अगेन. जब तक वो काला नहीं हो जाए तेल और उस पर फ्राई करने की चीजें काली निकले तब तक वो यूज करती रहती. तो हम ये भी कहते हैं महिलाओं को, कहीं पर भी मैं बात करता हूँ, मैं ये कहता हूँ भाई देखिये, आपका थोड़ा पैसा लॉस शायद हो जाए लेकिन तेल को दोबारा यूज मत करिएगा, और आप वैसे भी कम फ्राई करिए, और जब वो करिए उस तेल को फेंक दीजिए. और वनस्पति इस्तेमाल ना करें? सर्टनली नहीं. वनस्पति पामोलिन ऑयल इज अ हाईली टॉक्सिक ऑयल, एंड वी ऑलवेज से कि इंडिया के आधे हेल्थ के बोझ तो ये ऑयल के कारण है, ये खराब ऑयल. अच्छा, ये तरह तरह की फैट्स आ जाते हैं खाने के मामले में, अलग अलग डाइट्स आ जाती हैं, कभी कोई कीटो डाइट है, कभी कोई कुछ है, और ख़ासतौर पर जो नॉन वेज डाइट्स हैं उनके बारे में आपका क्या कहना है? तीन कंपोनेंट हैं डाइट के, आप समझिए मोटे मोटे कंपोनेंट, एक कार्बोहाइड्रेट, एक प्रोटीन, एक फैट. जी. आप तीनों को मैनिपुलेट कर सकते हैं कि टू प्रोड्यूस अ डाइट विच में बी बेनिफिशियल फॉर यू. जी. तो अक्सर क्या है, ट्रेडिशनली क्या करते हैं वेस्टर्न पॉपुलेशन में, जो मेजर ट्रायल्स हुए हैं, साइंटिफिक रोबस्ट ट्रायल जो हुए हैं, उसमें उन्होंने या तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बिल्कुल कम कर दी है जी. और फैट की मात्रा बढ़ा दी है, तो वो एथकिंस डाइट जैसी डाइट है, जो फेमस डाइट है जो वेट लॉस करती है जी. और दूसरे में क्या करते हैं कि फैट वगैरह को वो करके प्रोटीन की मात्रा बढ़ा देते हैं. इन सब में फर्क है, क्योंकि वहाँ पर आप प्रोटीन की मात्रा भी बढ़ा सकते हैं और फैट की मात्रा भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन ऐसा होता है जो दोनों को कवर कर सकता है. और इंडिया में जो वेजिटेरियन है उसमें आप प्रोटीन की मात्रा बढ़ाते ही रहिए तब भी आप ज़्यादा नहीं हो पाएगी, क्योंकि वेजिटेरियन में प्रोटीन मात्रा भी कम है और उसका स्टेटस भी उतना अच्छा नहीं. हाँ, और सोर्सेज भी कम है जी. तो हमको मोस्टली हमको अगर हम बैलेंस्ड डाइट रखें और ओवरऑल कैलोरीज कम कर दें और पोर्शन साइज कम कर दें तो आधा आपका काम हो गया, चाहे वेजिटेरियन डाइट हो चाहे नॉन वेजिटेरियन. एब्सोल्युटली. तो जैसे कि आप सपोज आपके लिए शायद 1600 कैलोरी की एक डाइट ठीक है जी. या आपके एक्टिविटी लेवल पर भी डिपेंड करेगा वगैरह वगैरह, बट मैं एक मोटे मोटे तौर पर बात कर रहा हूँ. अगर 1600 में से आप करीब करीब 200-300 कैलोरी कम कर दें, एक डाइटिशियन के साथ बैठ कर कम कर दें जी, तो 1200 कैलोरी हो गया. अब आप रोज वॉक करें 45 मिनट,
आपकी कैलोरी एक्सपेंडिचर 200-250 कैलोरी हो गया, तो यहाँ आपने 200-300 कैलोरी कम करी डाइट में, वहाँ 200 कैलोरी स्पेंड करी, तो आप डेफिसिट पर डे -500 कैलोरीज पर है, ठीक है। अब इस पर आपका वेट लॉस कितना होगा, क्या आप बता सकते हैं? मैं नहीं बता सकती। तो मैं बताता हूँ, 500 कैलोरीज 20 दिन आप करेंगे तो आप करीब करीब 10,000 कैलोरी आपका वो हो जाएगा ओवरऑल माइनस। जब 10,000 कैलोरी माइनस होता है तो 1 kg वजन कम होता है। 10,000 कैलोरीज में, तो ये तो बहुत लंबा प्रोग्राम है। यही बात है डाइट वेट लॉस में, यही बात है। शुरुआत में शायद आपका फ्लूइड वो हो जी, तो 2-3 kg फ्लूइड से निकल जाएगा और 1-1.5 kg आपका फैट और फैट का लॉस होगा और प्रोटीन का थोड़ा सा। अच्छा, बहुत लोग ये कम अक्रॉस द फैक्ट दैट उनका वेट प्लाटो पे चला जाता है, तो आप वही डाइट कर रहे हैं या आपने डाइट कम की, एक्सरसाइज भी की, लेकिन वेट एक पॉइंट से नीचे नहीं जाता है। ये नेचुरल हिस्ट्री है वेट लॉस की मैम। शुरुआत में अगर आप अच्छा एक कोई ज़रिया यूज़ कर रहे हैं वेट लॉस का जी, जो इफेक्टिव है, तो आपका शुरुआत में ऐसे नीचे आएगा और उसके बाद प्लेटू हो जाएगा, क्योंकि बॉडी का एक जो वेट लॉस का स्टैट है, जैसे थर्मोस्टैट होता है वो बॉडी, वो इट ट्राइज टू गो बैक टू द ओरिजिनल लेवल एंड सक्सीड्स अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट, राइट। सो ये मेटाबॉलिज्म वगैरह को कम कर देगा और आपका वेट को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। ये एक होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म है बॉडी की जी। तो अनलेस यू आर वेरी सिवियर एट दैट फेज, यू विल प्रोबेबली कम डाउन लाइक दिस, प्लेटू हो जाएगा, उसके बाद वेट बढ़ने लगेगा। अब वही जो फेज है जब वेट बढ़ने लगता है प्लेटू के बाद, उस पर क्या करना है, यही चीज़ें अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग करते हैं, लेकिन हमको ज़्यादा इंटेंसिफाई करना होता है। एक चीज़, मैं प्रोटीन की बात कर रहा था आपसे पहले, आपने कहा था कि वेजिटेरियन में कम होते हैं। एक बड़ा सिंपल तरीका है जो कि हमने रिसर्च भी करी है और पेपर हमारा पब्लिश हुआ है ब्रिटिश जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में, उसमें हमने कहा है एक मील, जैसे आप 3 मील खाते हैं मेजर, तो एक मील को हटा दें, उसकी जगह प्रोटीन का एक शेक दे दें आपको। अच्छा, एक गिलास में प्रोटीन 3 चम्मच 15-20 ग्राम प्रोटीन, उसको मिलाकर आप पी लीजिए और खाना ना खाइए दोपहर का। ये बूस्ट करेगा आपका मेटाबॉलिज्म और कैलोरीज को कट करेगा और आपको हंगर नहीं आने देगा। अच्छा, तो मील रिप्लेसमेंट इज अ इफेक्टिव टेक्निक फॉर वेट लॉस एंड इट इज ऑल्सो इफेक्टिव इन डायबिटिक पीपल प्रोवाइडेड दे डोंट हैव एनी किडनी प्रॉब्लम। तो जरिए काफ़ी हैं, हर लोगों में अलग अलग फिट करना पड़ता है। हो सकता है आप में ये ना फिट करे, कोई और चीज़ फिट करे, तो इस तरह से हमको प्रोफाइल देखकर हमको बनाना पड़ता है सबको। अच्छा, एक चीज़ और जो आजकल फैशन में है वो है ग्लूटेन फ्री डाइट, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, करीब करीब पॉपुलेशन में अगर आप देखें तो 1% से 2% लोगों में ग्लूटेन सेंसिटिविटी होती है जी। वो क्या होता है कि आपने गेहूं खा लिया तो उसमें मेजर एब्डोमिनल ब्लोटिंग, डायरिया, ये बहुत सारी चीज़ें, और उसको कैसे हम पहचानते हैं, एक एंटीबॉडी टेस्ट करा लेते हैं ट्रांस ग्लूटामिनेज, उससे पॉजिटिव होता है तो भाई वो तो एंटीबॉडी मीडिएटेड डिजीज़ है, जैसे कि ऑटोइम्यून डिजीज़ है और बॉडी में होती है वैसे ही है। तो ये कई लोगों को तो एक दाना भी नहीं वो होता, और बच्चों को कई लोगों को ऐसा होता है कि शुरुआत से ही ऐसी बात होती है, लेकिन और लोगों में से कुछ प्रतिशत ऐसे होते हैं जो ग्लूटेन एंटीबॉडी नेगेटिव होते हैं लेकिन फिर भी सेंसिटिव होते हैं, तो उनको एंटीबॉडी नेगेटिव हैं लेकिन फिर भी, लेकिन ज़्यादातर लोग ग्लूटेन सेंसिटिव भी नहीं होते और एंटीबॉडी पॉजिटिव भी नहीं होते, तो उनको आजकल ग्लूटेन डाइट देने का एक फैशन सा चला हुआ है, ये आप समझिए कि उससे वेट लॉस कर देंगे, उससे हम डायबिटीज़ भी बचा लेंगे, हम ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे। लेकिन मुझको ऐसा लगता है, जो हमने एक स्टडी किया, मैंने काफ़ी दिनों से ये स्टडी कर रहा हूँ, कि एक फैड है, ये फैड है एक चीज़। और जो अभी स्टडीज़ आई हैं उसमें उन्होंने बताया है कि आप रोटी जैसे 100 ग्राम आटा है, 100 ग्राम आटे में आप करीब करीब 3-4 2-3 रोटी डिपेंडिंग ऑन साइज आप बना लेंगे, उसमें 14 ग्राम फाइबर है, प्रोटीन है आटे में, राइस में नहीं है, राइस में फाइबर नहीं है, राइस में प्रोटीन नहीं है। तो क्या करता फाइबर, अगर 14 ग्राम आपने खा लिया
हमको रिक्वायरमेंट है 30 ग्राम का, जितना ज़्यादा फाइबर खाएं उतना आपको कम डायबिटीज़ हो, उतना आपको कम हार्ट डिजीज़ हो, उतना कैंसर कम हो। तो आप फाइबर से वंचित हो गए, रोटी आपने नहीं खाई जी। और आजकल आर्सेनिक है राइस में, आर्सेनिक है नॉन वेज उसमें, तो आप राइस अपना बढ़ा देते हैं या बाकी चीज़ें उसमें आर्सेनिक। तो जो लोग ग्लूटेन फ्री डाइट वो करते हैं उनमें डायबिटीज़ की टेंडेंसी ज़्यादा, हार्ट डिजीज़ की टेंडेंसी ज़्यादा और आर्सेनिक के लेवल ज़्यादा बॉडी में बिकॉज ऑफ द राइस। और इंडियन उसमें आर्सेनिक के लेवल हैं। तो ये देखिए, ये रिसर्चर्स जो आई हैं इसमें क्लियर कट लोगों ने, इंडिया में नहीं ज़्यादा हुई लेकिन जो बाहर के लोगों उन्होंने क्लियरली कहा है कि प्लीज डोंट गो फॉर ग्लूटेन डाइट अनलेस यू हैव अ रियल रीजन टू डू सो। राइट। बच्चों में जो डायबिटीज पाई जाती है वो किस तरह की होती है और उनमें इतनी डायबिटीज क्यों है? देखिए, दो तरह की डायबिटीज़ होती हैं बच्चों में। एक तो देखिए क्लासिकल टाइप 1 डायबिटीज़ जिसको कहते हैं, जिसमें कि पैंक्रियास को कोई चीज़, ये हमको पता नहीं है कौन सी चीज़, लेकिन ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन हो जाता है। मतलब पैंक्रियास समझ लिए कि इन वन गो बॉम्ब ब्लास्ट होता है पैंक्रियास में और ख़त्म पैंक्रियास। तो पैंक्रियास ही तो इंसुलिन बनाता है, जीरो सेल्स उसमें सब सेल्स गए, तो डिवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, एकदम से प्रकट होती है वो डायबिटीज़। और बच्चों में वो जेनेटिक होती है, उसमें जेनेटिक कंपोनेंट जरूर होता है, तो उनके सिस्टर ब्रदर को होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इस डायबिटीज़ को किसी और तरीके से नहीं कंट्रोल कर सकते हम बिना इंसुलिन के, इंसुलिन नहीं देंगे तो उनको जान का खतरा है। तो ये एक टिपिकल टाइप 1 डायबिटीज़ है जो कि इंडिया में कम पाई जाती है। इंडिया में अगर 100 लोगों को लीजिए तो उसमें से एक या दो लोगों को इस तरह की डायबिटीज़ होगी, लेकिन ज़्यादातर अभी जो आ रही है वो तो जीवन शैली वाली जो एडल्ट टाइप की डायबिटीज़ वो बच्चों में हो रही है। अच्छा। तो देखिए 13 साल के बच्चे को हमने एक महीना पहले देखा था, वो 90 किलो के, 13 साल का बच्चा 90 किलो का है और कोई खेलता नहीं, जंक फूड दिन भर खाता, वो शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस कोलाज लेता रहता है, उसको शुगर 300-400 पर चली गई। अब उसको नीचे ही लाना मुश्किल, बच्चों में बहुत सारी दवा भी हम नहीं दे सकते, बच्चों को जो उनका नेचर होता है उस हिसाब से मॉड्यूलेट नहीं कर सकते, तो बहुत परेशानियां होती हैं उनको डायबिटीज़ को उनका ट्रीटमेंट करने में। तो ये वेट रिलेटेड, ओबेसिटी रिलेटेड डायबिटीज़ बच्चों में जो आ रही है वो इंक्रीजिंग है, वो लाइफस्टाइल रिलेटेड है। और स्कूलों वगैरह में जो हमने सर्वे किए थे उसमें ऐसा लगा था कि ये तो आगे बढ़ती ही जाएगी, जैसा कि ओबेसिटी और जैसा उनकी जीवन शैली। तो बच्चों में ये जीवन शैली बदली जाए इसके लिए स्कूल्स के लेवल पर किस तरह से एजुकेशन होनी चाहिए? मल्टीपल लेवल इंटरवेंशन आर नीडेड। तो हमने एक प्रोग्राम बनाया था जिसको कि हमने पूरे नॉर्थ इंडिया में स्कूल में किया था जी। उसमें हमने 3 उनके एनवायरनमेंट रखे थे कि बच्चों पर केंद्रित करें, उनके पेरेंट्स को, आपने बच्चों को पढ़ा दिया और के पेरेंट्स को नहीं पढ़ाया तो घर में जाकर तो वही उसको खाना है ना जो उसकी मदर पराठा खिलाएगी, और वो कहेगी कि अभी पढ़ो, कोई बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और टीचर्स अगर कहेंगे कि नहीं नहीं तुम बाहर, तुम्हारा पीरियड नहीं है, तुम आकर यहाँ पर होमवर्क करो, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। तीनों को जब तक एक लाइन में हम ना लाएं और उनको एडिक्वेट एजुकेशन शुरुआत से देना ना शुरू करें तब तक बात बनेगी नहीं। और साथ में एनवायरनमेंट उनका चेंज कर दें, तो स्कूल का एनवायरनमेंट हमको, उसके कैंटीन में ही अगर ब्रेड पकौड़े पड़े हुए हैं तो क्या फ़ायदा, और बाहर आपका सारी चिप्स मिल रही हैं, बाहर ही खूंचे लगा कर बैठे हुए लोग चिप्स बेच रहे हैं। तो सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत मुश्किल बात है, ये बहुत आसान बात नहीं है, बहुत मुश्किल बात है। एक बार बच्चे सीख भी लें और सब समझ भी जाएं तो क्या वो कर पाएंगे? पीयर इन्फ्लुएंसेस इतने हैं, चारों तरफ फास्ट फूड रेस्टोरेंट हैं, सारे फ्रेंड्स बैठेंगे तो वो तो पिज़्ज़ा खाएंगे। तो हम बंद नहीं कर सकते, हम उसको रिस्ट्रिक्ट करके उनको बता सकते हैं। और 10 साल की उम्र पर ही शुरू होना है। हमारी जो रिसर्च थी कि 10 साल के बच्चे समझ जाते हैं बात और वो विलिंग हैं चेंज करने के। जहाँ उम्र बढ़ेगी, 15 साल के होंगे, 16 साल, 17 साल, वो नहीं चेंज होंगे। इनफैक्ट आप देखिए बहुत से जो सपोजिंग आइसक्रीम ब्रांड्स हैं या बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, वो लोग इस तरह के जो ब्रांड्स हैं वो बच्चों को ही टारगेट करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि बच्चों को टारगेट किया जाए तो वो चीज़ें खरीदेंगे, या दे कैन ब्रिंग अबाउट चेंज बाय प्रेशराइजिंग देयर पेरेंट्स 100%। तो इसी तरह से डायबिटीज़ के लिए भी अगर 10 साल के या 12 साल के बच्चों को अगर
समझाया जाए देन दे कैन ब्रिंग अबाउट चेंज इफ नॉट इन दिस जेनरेशन एटलीस्ट इन देयर्स. इसमें जो है मदर का बिल्कुल अहम रोल है जी. और हमने जो स्टडी किया, चार सिटी पूरी इंडिया में स्टडी करी, उसमें मदर्स मेजर फॉल्ट पर हैं. मदर्स दे देमसेल्स आर ओबीज, दे देमसेल्स स्नैक ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स एंड दे डोंट कुक फॉर चिल्ड्रन, दे डोंट सिट विद चिल्ड्रन, दे गिव मनी टू चिल्ड्रन टू बाय द फूड. मेजर फॉल्ट्स. और जो उनकी मिथ्स हैं वो ग्रैंड मदर वाली मिथ्स, वो घी वाली, घी अगर चार चम्मच ना खिलाएं बच्चे को तो तगड़ा कैसे होगा. ये मिथ है. और हमारे यहाँ तो चबी बेबीज क्यूट लगते हैं. एग्जैक्टली. जब तक चबी ना हो तब तक हेल्दी नहीं है. तो इंडिया में हेल्दी यही करते करते डायबिटिक हो गए सारे लोग कि हेल्दी है, नहीं है साहब, आप पतले हैं, आप तो कमजोर हैं. विच इज नॉट ट्रू एट ऑल. एब्सोल्युटली नॉट ट्रू. सो अगर एक कोई यू नो इफ देयर वर जस्ट टू और थ्री पॉइंटर्स दैट यू वुड गिव आवर व्यूअर्स टुडे कि डायबिटीज से कैसे बचा जाए और किस तरह का लाइफस्टाइल होए, तो आपके पास क्या फॉर्मूला है? नंबर वन, आप डिसिप्लिन्ड हों अपनी एक्सरसाइज के लिए, अपनी डाइट के लिए, और अगर आप डायबिटिक हों अपनी मेडिसिन के लिए और डॉक्टर विजिट के लिए. तो एवरी वी कैन डिफीट डायबिटीज इन एवरी वे. डिसिप्लिन 100% कोई भी नहीं होता, लेकिन 90% कंप्लायंट हों पूरी बात बन जाएगी. एक्सरसाइज में मैंने आपको बता दिया 60 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज. डाइट में अगर हम 3-4 ग्रीन लीफी वेजिटेबल एंड सैलेड का पोर्शन रखें, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जवार वगैरह उसका ज़्यादा यूज़ करें, राइस वगैरह का कम सीमित मात्रा में यूज़ करें, वेजिटेबल्स को बढ़ा दें, करेक्ट ऑयल हम यूज़ करें, हैंडफुल ऑफ नट्स हम यूज़ करें. नट्स बड़े इंपॉर्टेंट है. नट्स इज ऑल्सो अनदर थिंग फॉर विच पीपल से कि ये खाने से मोटे हो जाते हैं. नहीं, एग्जैक्टली खाने से मोटे नहीं होते. अगर उसको आप डाइट के प्लान में इंट्रोड्यूस करें तो कोई मोटे नहीं, आपको बेटर ही होगा, सारा कुछ बेटर होगा आपका. लेकिन अगर प्लान से बाहर करें, एक्स्ट्रा खाएं, तब तो कोई भी चीज़ मोटा कर देगी. तो ऑयल, नट्स, सॉल्ट को कम रखें, शुगर को बिल्कुल लो रखें. शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस जैसी खराब बात कोई चीज़ है नहीं, तो वो आपको बंद करना पड़ेगा. एंड अगर दालचीनी जैसी, हमने वो भी शोध वाला हमारा काम है, दालचीनी आधा चम्मच रोज लें. ये सारी चीज़ें अगर आप करें, जो कि छोटी छोटी चीज़ें हैं, अपने लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट करें और अपना वजन न बढ़ने दें. सबसे ज़रूरी बात है वजन को एक नरो मापदंड में रखें, एक्टिव हों थ्रू आउट द डे, और इन एडिशन आप जो एक्सरसाइज वाली मैंने बात करी है, ये सारी चीज़ें आप फॉलो करेंगे, आई एम श्योर यू विल बी हेल्दी. नॉट ओनली डायबिटीज, आपका लिवर ठीक रहेगा, आपकी हार्ट ठीक रहेगा, आर्टरीज ठीक रहेंगी, किडनी ठीक रहेगी, और कैंसर्स की मात्रा भी कम होगी. That's wonderful, Dr. Saab. Thank you for writing this book and for sharing all this information with us. Thank you for inviting me.